Good morning, students. I hope you all have started revising your chapter, understanding it, you know, point by point. We have been studying for the last 2 days our first chapter in our civics textbook, that is power sharing. थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा. What is the meaning of power sharing? Very good example of two countries that we have read about, Belgium and Sri Lanka. So, about the lesson so far, we have read about those countries, both are democracies, but they dealt with the problem of power sharing differently. दोनों countries का approach power sharing की तरफ अलग अलग था. Belgium ने accommodate किया आपस के differences को, majority और minority ने adjust किया एक दूसरे के साथ, वहाँ कोई issue नहीं हुआ. They have formed various forms of government there. They even changed their constitution to accommodate with each other. The other country, Sri Lanka, the majority community refused to cooperate with the minority. So the result was a severe civil war which took thousands of lives. ये हमारा lesson हुआ है अभी तक. Now taking the lesson forward, the topic of today is why power sharing is desirable. Power sharing एक democratic country में क्यों ज़रूरी है? This we know from the very beginning that power sharing is the very soul, very important for democracy. Or we can say the another name of democracy is power sharing. So here I'm going to tell you about two reasons why power sharing is desirable. The first reason is prudential reason, and the second reason is moral reason. Now first let me explain what is the meaning of prudential reason and what is the meaning of real reason. Prudential means taking in consideration how much we are going to gain or lose. फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ये रीज़न कहलाता है प्रूडेंशियल रीज़न. और मॉरल रीज़न तो समझ में आता ही है कि उसके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. व्हेन वी अडॉप्ट एनीथिंग, उसके पीछे का मॉरल रीज़न क्या है, ये टर्म्स और क्लियर होंगे व्हेन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज टू रीज़न्स. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट इज़ द प्रूडेंशियल रीज़न बिहाइंड पावर शेयरिंग. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने ऐसा कौन सा कारण था, उसकी लाभ और उसकी हानि, ये सब ध्यान में रखते हुए क्यों डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया. पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. ये बात तो मानोगे सब, एवरीबडी वॉन्ट्स पावर. नाउ अगेन व्हाट इज दिस पावर इन सिविक्स, क्या था ये पावर टू टेक फाइनल डिसीजन. हर आदमी चाहता है मेरी बात मानी जाए, जो मैं कहूँ वही हो, है या नहीं? तुम लोग भी यही चाहोगे कि जो तुम चाहो वही हो. और जब हम कंट्री में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वेयर सो मच फ्रीडम इज गिवन टू इट्स सिटीजन्स, देर आर सो मैनी डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग इन कंट्रीज, सो पीपल वॉन्ट मोर पावर इन दे हैंड. अब एक के हाथ में अगर पावर दे दी, जैसे मेजॉरिटी को सारी पावर्स दे दी, तो क्या होगा? एक के पार में, एक के हाथ में पार का मतलब क्या हुआ? आई नो यू नो ऑल द आंसर्स, दैट इज डिक्टेटरशिप. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी. मेजॉरिटी के हाथ में अगर पार दे दी तो क्या होगा? मेजॉरिटी अपने फेवर में सारे डिसीजन लेगी. जैसे कहाँ लिए? श्रीलंका में. मेजॉरिटी को दे दी पार, कौन डिससेटिस्फाइड हो गए?
the minority community, the Tamils. कुछ समय के लिए अच्छा लगता है क्योंकि पावर शेयरिंग में जनरली ये कहा जाता है कि अगर सबके हाथ में पावर होगी तो डिसीजन लेने में शायद थोड़ी देरी हो सकती है या किसका डिसीजन हो, हाँ तो ये थोड़ी सी बात हो सकती है, लेकिन इन द एंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट्स द बेस्ट इज़ टू शेयर पावर बिटवीन ऑल द सोशल ग्रुप्स. हो गया ना, लाभ देखकर काम किया गया, फ़ायदा देखकर काम किया गया कि एक के हाथ में पार देने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में दे दो. जब सबके पास थोड़ा थोड़ा पार होगा तो फिर देयर विल बी नो चांसेस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स. सो टू अवॉइड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड फाइट्स बिटवीन वेरियस सोशल कम्युनिटीज़, इट्स गुड टू हैव पार शेयरिंग. Power given to all the communities present. So this is the first reason, that is the prudential reason why power sharing is desirable. Now moving on towards the second reason. What was the second reason? The moral reason. नैतिक कारण क्या है power sharing का? As you all know, again and again I repeat in my lesson that power sharing is the very soul of democracy. You understand what is the importance of soul? It gives life to something. That is the importance of soul. Life जब किसी चीज़ को मिलती है वो तभी survive करती है. If we want to continue democracy in our country, it's very important to have power sharing. In the absence of power sharing, there'll be no true democracy in a country. So this is the very second reason, or we can say the moral reason behind power sharing, is that it's the very soul of democracy. So these are the two reasons. The first one was prudential, that power sharing is done to avoid social conflicts between various communities. And the second reason is moral reason, that power sharing is the very soul of democracy. In the absence of democracy, absence of power sharing, we cannot have democracy in our country. Now, in a democracy, after all, it's people's rule. So, the final power should rest in the hands of the people. अब ये क्या मतलब हुआ, द फाइनल पावर शुड रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल? दैट इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. कैन यू टेल मी व्हाट डू वी कॉल दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल? यस, इट्स डेमोक्रेसी. आ गई वही बात, अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड दैट गवर्नमेंट इज नोन एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. क्या कहलाती है वो गवर्नमेंट? अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉलोइंग ऑल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक सिस्टम बनाया है कि कंट्री की गवर्नमेंट कैसे बनेगी, जब हम उस सिस्टम को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट बनाते हैं, that government is known as a legitimate government. So I hope you understand today's topic, the first topic of the day, why power sharing is desirable. You need to understand what is the prudential reason behind power sharing and what is the moral reason behind power sharing and how a legitimate government is formed. So now that we have understood why power sharing is desirable, so it's clear that democracy has power sharing. So now in the next topic we are going to read about the various forms of power sharing. Here, I'm going to make you understand, in brief,
What are the various forms of power sharing? And in the following three chapters, next जो तीन chapter हैं हमारी civics textbook में, हम इन forms को detail में पढ़ेंगे. तो यहाँ अभी हम सिर्फ एक brief introduction लेंगे. What are the various forms of power sharing? So, before we start, let me tell you something about why there was a need felt for power sharing. Before the coming of democracy in the world, the other forms of government that existed, democracy is considered as the modern form of government. But before democracy, there were other forms of government that existed in the world, starting from monarchy, then came aristocracy, then came dictatorship. In ninth class, you have read about dictatorship. There you also read about communism. So these are the various different forms of governments that existed before the coming of democracy. But the difference between all those government and democracy was that all those governments, the power was not shared with anyone. Monarchy, the king took all the decisions. Aristocracy was the rule of rich class, and the labor class and the poor class were not allowed to participate in decision making process. Dictatorship, aapne bahut detail mein padha hai. हिटलर का पूरा चैप्टर था नाइन्थ क्लास में. एंड ऑफ कोर्स यू हैव आल्सो रेड अबाउट कम्युनिज्म दैट स्टिल एग्जिस्ट इन चाइना एंड फ्यू अदर कंट्रीज. ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट द पावर वाज नॉट डिवाइडेड, और वी कैन से द पावर वाज नॉट शेयर्ड विद एनीवन. ओनली फ्यू पीपल कंट्रोल्ड ऑल द पावर. बट विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, with the spread of awakening among the people, it was felt that giving all the decision making powers into one hand is not a good system. Dheere dheere jaise log padhte gaye, print technology mein dekha, padhte gaye log waise waise unme ye awakening aati gayi ki ek ke haath mein power hona अच्छी गवर्नमेंट की निशानी नहीं है. एक ही आदमी क्यों ले सारे डिसीजन. सो देर वॉज अ नीड फेल्ट टू हैव डिविजन ऑफ पावर, एंड दैट डिविजन ऑफ पावर इज ऑल्सो नोन एज पावर शेयरिंग. धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर ये बात जोर पकड़ती गई कि पावर शुड बी डिवाइडेड. अब पावर डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट तो आया, बट हाउ इट शुड बी डिवाइडेड. So, with the starting of democracy in various countries, when the people got all the decision-making power, so who's going to have which power? कौन से institution के हाथ में कौन सा power होगा, इस बात पर लोग सोचने लगे. Took many years to decide that, and then we came out with certain different forms of power sharing. So, in modern democracies, power sharing arrangements are in different forms. एक ही तरीके से नहीं होती है power sharing. There are different forms of power sharing in modern democracies all over the world. So, in this topic, here I am going to tell you what are the different forms of power sharing. Power is shared in four various forms. The first one, the most common sort of power sharing or the form of power sharing is power is shared among different organs of government. So the first form, that is the most common form, is जो सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था सिस्टम, दैट वॉज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट?
कौन कौन से ऑर्गन होते हैं एक गवर्नमेंट के, या कौन कौन से पार्ट होते हैं एक गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नाउ व्हाट इज लेजिस्लेचर? द लॉ मेकिंग बॉडी. व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? द इंस्टीट्यूशन दैट इम्प्लीमेंट्स ऑल द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. एंड ऑफ कोर्स जुडिशरी विच गिव्स द फाइनल डिसीजन. लेजिस्लेचर क्या होती है बच्चों? जो देश के लिए लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो उन लॉज को देश पर इम्प्लीमेंट करते हैं. और जुडिशरी क्या होती है? जो ये देखती है कि वो लॉज सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं. हो गई ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. लेजिस्लेचर क्या होती है? पार्लियामेंट, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट. और जो स्टेट में असेंबलीज हैं जिन्हें हम विधानसभा कहते हैं, तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, दे फॉर्म द लेजिस्लेचर. सेकेंड ऑर्गन कौन सा है? एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव कौन है? सेंटर में पार्लियामेंट से बना हुआ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और स्टेट असेंबलीज में कौन होते हैं? द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऐसे ही जुडिशरी है. जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो क्या हुए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये जो सेम लेवल है, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट, ये जो सेम लेवल के एक गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, इनमें जो पावर शेयरिंग की गई है, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. क्या कहलाता है ये? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. इस पावर शेयरिंग से ये फायदा होता है कि जो सेम लेवल की गवर्नमेंट है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग पावर्स दिए गए हैं. पार्लियामेंट, जहां हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द लॉज फॉर द कंट्री. बिकॉज दीज पीपल आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हमारे MPs हैं जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल सो दे नो वॉट इज गुड फॉर द पीपल. कॉमन मैन के लिए कौन से कानून अच्छे होंगे. सो द responsibility, द फर्स्ट power इज टू मेक लॉज एंड दैट responsibility or power इज गिवन टू द legislature. वो दिया गया legislature को. उसके बाद second organ कौन सा है? Executive, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द power ऑफ legislature इज ओनली टू मेक लॉज. लॉ बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? एग्जीक्यूटिव को दी गई. एग्जीक्यूटिव का काम है कि पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं वो उन लॉज को सही तरीके से कंट्री पर इम्प्लीमेंट करे, सो दैट ऑल द पीपल फॉलो दोज लॉज. दैट कैन ओनली कीप पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री. नाउ कम्स द पार्ट ऑफ जुडिशरी. जुडिशरीज वर्क इज टू सी वेदर दीज लॉज आर बींग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट. तो इस तरह के से तीनों में पावर शेयरिंग हो गई बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. बट इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट की जैसी मर्जी होगी लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर सकते हैं लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जुडिशरी कुछ भी कर सकती है. नो, पास दिए गए हैं तीनों ऑर्गन्स को, लेकिन उनके बीच में एक बहुत स्पेशल थ्योरी फंक्शन करती है. एंड दिस थ्योरी इज नोन एज चेक्स एंड बैलेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चेक्स एंड बैलेंस? चेक्स एंड बैलेंस, इट मीन्स चिल्ड्रन दैट All these three organs, they check each other and it maintains a balance between the three organs. तीनों organs को एक दूसरे को
चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है और इससे एक बैलेंस बना रहता है उस गवर्नमेंट में. लेजिस्लेचर चेक्स एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव चेक्स लेजिस्लेचर. कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है या गलत तरीके से तो कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जुडिशरी. सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है टू सी वेदर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट दे आर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री और नॉट. क्योंकि इंडिया में जितने भी लॉज बनते हैं दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ये देखना कि हमारी पार्लियामेंट जो भी नया लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है. और जुडिशरी को ये पार भी दिया गया है दैट इफ़ इट फाइंड्स एनी लॉ विच इज़ नॉट आई रिपीट नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री देन द जुडिशरी हैज़ द पार टू डिक्लेयर दैट लॉ एज इलीगल. उसे वो डिक्लेयर कर सकती है इलीगल. देन द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो नॉट इम्प्लीमेंट दैट लॉ. तो नज़र रखने की बात है. वैसे तो हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसे लॉज बनाती नहीं है विच आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू द जुडिशरी टू सी वेदर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट is according to the constitution or not. Judiciary also sees that all the laws which are being made by the government are properly implemented by the executive. So this is the first form of power sharing that we read. That is, the power is shared between the various organs of government and it is known as the horizontal sharing of power. Okay, now we come to the next form of power sharing. The next form of power sharing is among the various governments at different levels. Kaun kaun se level hote hain batao government ke? The first is the central government. Central government ya jise hum union government bhi kehte hain. This means the government which rules over the whole of the country. पूरे देश की जो government होती है वो कहलाती है central government और the union government. And the other level of government that functions is the provincial government or which are popularly known as state governments in India. So this is the second form of power sharing that the power is divided between the union government and the state government. So here the power is shared between the union government and the state government. This is known as the vertical sharing of power. Now there are so many countries in the world which don't have state governments or provincial governments. But if we talk about our country, India, we have these different levels of government. And very clearly it's written down in the constitution that what powers are to be given to the union government and what powers are to be given to the state governments. This power sharing was done in Belgium, but Sri Lanka, the government in Sri Lanka refused to have this sharing of power. So there was a problem. So this is known as the vertical division of power. Isko hum ek aur naam se jante hain, federal division of power. Vertical as well as federal division of power. In this, some powers are given to union government and some powers are given to state government. And big country like India, we such a large country and such big states,
if we talk about Rajasthan and Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, कितने बड़े-बड़े states हैं. ये states Europe की कुछ countries से भी बड़े हैं. तो जब एक country में एक government पूरे country को rule नहीं कर सकती है, तो हमारे तो state उन countries से भी बड़े हैं. तो ये जो states हैं हमारे, जो बहुत बड़े-बड़े states हैं actually, तो along with union government and state government, एक और नया level of government introduce किया गया है state में, that is local government. तो total कितनी governments में power sharing हो गई? Union government, which is for the whole country, state or provincial governments, and the local government. ये जो division है, इसे क्या कहते हैं? Federal division of power. कुछ union government के पास, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास और कुछ पार्ट्स दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को. सो ये अभी शॉर्ट में हमने पढ़ा फॉर्म्स, सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट इज बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये जो डिविजन्स हम पढ़ रहे हैं या ये जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम पढ़ रहे हैं, इन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो अभी हमने पढ़ा कि बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे कि ये कैसे डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है. तो अभी तक हमने टू फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा बच्चों. द फर्स्ट वन वाज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन वॉज फेडरल डिविजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो आज के लिए हम अपना चैप्टर यहीं पर स्टॉप करते हैं. रिवाइज़ करो जो आज मैंने समझाया आपको, एंड फॉर अबाउट मेकिंग नोट्स, राइट अबाउट फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, मॉरल रीज़न क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है. उसके बाद ये जो दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आज हमने डिस्कस किए हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग एंड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ये किस किस के बीच में होता है, ये आज आपका असाइनमेंट है. इसे कंप्लीट करो, लिख कर रखो. अगेन आई एम सेइंग, राइट डाउन योर नोट्स सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू स्टडी. सो फॉर टुडे इट्स बाय एंड कीप स्टडिंग.